हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल प्लेविट टेक। जो टॉपिक हमारा आज का वो है इम्यून सिस्टम। बट वेट, दिस टॉपिक कंटेन थ्री पार्ट। फर्स्ट इज अ ब्लड कंपोनेंट, सेकंड वाइल्ड ब्लड सेल्स एंड लास्ट थर्ड इम्यून सिस्टम। सो यू कैन सी टाइमिंग ऑन योर स्क्रीन, यू कैन गोस फॉर टॉपिक विच यू वॉन्ट टू सी, अदरवाइज यू कैन सी होल टॉपिक। सो लेट्स बिगिन। ब्लड कंपोनेंट, आप सभी को पता है कि हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो होता है। जो हमारा बॉडी है वो 8% ब्लड से बना हुआ है, जो कि वेरी करता है वेट और एज के हिसाब से, एंड बाकी का 92% अदर फ्लूइड्स एंड टिश्यूज। जो ब्लड है ये कंटेन करता है 54.3% प्लाज्मा। प्लाज्मा दिखने में येलोविश लिक्विड होता है। प्लाज्मा कंटेन करता है 91% वाटर, 6-8% प्रोटीन्स एंड रिमेनिंग 2% सॉलिड्स। इसका मेन फंक्शन होता है विटामिन प्रोटीन हॉर्मोन्स को कैरी करके ऑर्गन्स के पास ले जाना जिसको इसका नीड है। ये ब्लड क्लॉटिंग में भी हमको हेल्प करता है। एंड 45% आरबीसी मींस रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी का काम होता है लंग्स से कैरी करना ऑक्सीजन एंड पूरे के पूरे ऑल ओवर बॉडीज में पहुंचाना। अभी दिखने में रेड इसलिए होता है क्योंकि ये कंटेन करता है हेमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन, जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रेड कलर में चेंज हो जाता है, जो कि हाईली आयरन रिच्ड प्रोटीन होता है इसलिए। एंड रिमेनिंग 0.7% WBC मीन्स वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, जिसका मेन फंक्शन है हमको प्रोटेक्ट करना डिजीज से। प्लेटलेट्स का वर्क है स्पेशली ब्लड को क्लॉट करना। ये सिर्फ आउटर बॉडी में नहीं, इंटरनली भी ये काम करता है। अब बात करते हैं इसका शुरुआत, मीन्स ये सारे सेल बन के कहाँ से आते हैं। तो इसका ओरिजिन है बोन मैरो। बोन मैरो में बनता है स्टेम सेल, जो कि आपके बॉडी में जितने भी सेल प्रेजेंट है, मीन्स कोई भी टाइप का, लाइक मसल सेल, नर्व सेल, ब्लड सेल, लीवर सेल, ये सारे के सारे स्टेम सेल बनाता है एंड खुद को भी वही बनाता है। तो अब हम स्पेशली बात करेंगे जो ब्लड सेल बनाता है। तो स्टेम सेल बनाता है टोटिपोटेंट स्टेम सेल, एंड टोटिपोटेंट स्टेम सेल बनाता है प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल, एंड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल बनाता है हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल। अब हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल डिवाइड होता है टू पार्ट में। जो पार्ट वन है उसको कहते हैं मेलोइड स्टेम सेल। अब मेलोइड स्टेम सेल डिवाइड होता है फोर टाइप में। जो पार्ट वन है उसको कहते हैं मेगाकार्योसाइट, जो बनाता है प्लेटलेट्स, एंड सेकेंड है आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल, एंड थर्ड है मास्ट सेल, एंड फोर्थ है मायोब्लास्ट। अब मैं जो भी बात करूँगा यहाँ पे वो सब होगा व्हाइट ब्लड सेल्स। अब मायोब्लास्ट है वो कंटेन करता है फोर सेल को। जो सेल वन है वो है न्यूट्रोफिल्स, सेकेंड बेसोफिल्स, एंड थर्ड है इओसिनोफिल, एंड फोर्थ मोनोसाइट। अब मोनोसाइट भी यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो पार्ट वन है उसको कहते हैं डेंड्रिटिक, एंड पार्ट टू मैक्रोफेज। अब जो हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल डिवाइड था दो पार्ट में, उसमें से पार्ट टू है लिम्फोइड स्टेम सेल, ये भी वाइट ब्लड सेल्स है। अब ये कंटेन करता है दो सेल। जो फर्स्ट है वो है नेचुरल किलर, एंड सेकेंड है स्मॉल लिम्फोसाइट। अब स्मॉल लिम्फोसाइट भी डिवाइड होता है दो पार्ट में। जो पार्ट वन है वो टी सेल, बी सेल, एंड जो बी सेल है वो बनाता है प्लाज्मा सेल। अब जिसको मैंने यहाँ पर रेड से ओवरले किया है, ये सब वाइट ब्लड सेल्स हैं। अब हम बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। इसको हम लीकोसाइट भी कहते हैं। लीको का मतलब होता है वाइट, एंड साइट का मतलब होता है सेल। ऐसे ही आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। एरिथ का मतलब होता है रेड, एंड साइट का मतलब होता है सेल। हम WBC को डिवाइड करते हैं अग्रेनुलोसाइट में एंड ग्रेनुलोसाइट में। अग्रेनुलोसाइट मतलब होता है जिसमें ग्रेनुअल्स नहीं होते सेल के अंदर, एंड ग्रेनुअल्स में होता है। बेसिकली जो होता है ये ग्रेनुअल्स एक टाइप का कंपाउंड होता है जिसको कहते हैं माइलो पर ऑक्सीडेज। बेसिकली ये फॉर्म करता है एंटी बैक्टीरियल कंपाउंड, जो कि बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करता है। तो अब इसमें कौन से सेल्स आते हैं? तो अग्रेनुअल्स में सेल आता है मोनोसाइट्स मीन्स मैक्रोफेज एंड डेंड्रिटिक, एंड लिम्फोसाइट सेल्स जो कि होता है बी सेल, टी सेल, एंड नेचुरल किलर। एंड जो ग्रेनुलोसाइट होता है उसमें आता है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। तो अब हम समझते हैं ये सारे के सारे सेल को एक एक करके। तो बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स से। जो न्यूट्रोफिल्स है ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है WBC में, 55-75% सिर्फ ये होता है। ये सबसे पहला सेल होता है जो पता लगाता है इन्फेक्टेड एरिया को, मीन्स जहाँ पे बैक्टीरिया या फिर इन्वेडर्स एंटर करता है, और जाके उसको खाना स्टार्ट कर देता है, मीन्स उसको मारना स्टार्ट कर देता है। जो प्रोसेस यूज में लेता है उसको मारने के लिए, उसको कहते हैं फेगोसाइटोसिस। ये आपने पढ़ा होगा लाइक न्यूट्रिशन इन एमोबिया चैप्टर 7 में। अब बात करते हैं बेसोफिल्स के बारे में। अब हमारे वाइट ब्लड सेल्स में सिर्फ 0.5-1% ही बेसोफिल्स होता है। इसका मेन वर्क होता है फाइट करना पैरासाइट से, एंड ये कंटेन करता है हेपरिन, जो कि नेचुरल ब्लड थिनिंग सेप्टेंस है, मीन्स ब्लड को पतला होने में, मीन्स सडनली क्लॉट होने से बचाता है। मीन्स अगर कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो, अगर वहाँ पर सडनली अगर ब्लड क्लॉट हो जाए
तो वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम अराइज हो सकता है। इसके लिए ये तुरंत ही ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है। एंड सेकेंड लिस्ट करता है हिस्टामाइन, जो कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्ट्री में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं इओसिनोफिल्स के बारे में, जो कि सिर्फ 1 से लेकर 4% तक ही हमारे WBC में होता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है, जो भी बैक्टीरिया या पैरासाइट जो हमारे बॉडी में से एसेंशियल न्यूट्रिशन को चुरा रहे हैं, मीन स्टील कर रहे हैं, उससे उस बचाना। इओसिनोफिल्स पाया जाता है लंग्स, स्किन, हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब हम बात करते हैं मोनोसाइट के बारे में। मोनो का मतलब होता है सिंगल एंड साइट का मतलब सेल, मीन सिंगल सेल। इसमें 2 सेल आता है, मैक्रोफेजिस एंड डेंड्रिटिक। अब मोनोसाइट WBC में 2 to 8% होता है। पहला सेल के बारे में बात करते हैं, जो कि ये डेंड्रिटिक सेल। जो मेन फंक्शन है डेंड्रिटिक सेल का, वो है कैरी करके ले जाना एंटीजेंस ऑफ पैथोजेंस, मींस बैक्टीरिया या वायरस का एक्टिवेट करने के लिए बी सेल को। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे डिटेल में, जब हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में। एंड सेकेंड सेल मैक्रोफेजेस, इसको कहते हैं लार्ज ईटर, मींस ये बड़ा होता है, जो कि बैक्टीरिया को मारने के लिए काम आता है। ये भी सेम प्रोसेस यूज करता है फेगोसाइटिस, बैक्टीरिया को किल करने के लिए। अब हम बात करते हैं वर्क ऑफ एनके सेल के बारे में। जो एनके सेल है स्पेशली किल करता है वायरल सेल को, मींस जो शेल वायरस इन्फेक्टेड है। अब हम बात करते हैं टी सेल के बारे में। जो टी सेल का काम होता है, वो होता है प्रोटेक्ट करना बॉडी को पैथोजिन से, मींस वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, वॉर्म से और कैंसर सेल से। टी सेल को पढ़ेंगे डिटेल में इम्यून सिस्टम में। अब बात करते हैं बी सेल के बारे में। बी सेल का मेन फंक्शन है प्लाज्मा सेल बनाना और मेमोरी सेल बनाना, मींस जो प्लाज्मा सेल है वो बनाता है एंटीबॉडीज। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो अलग प्लाज्मा होता है, ये प्लाज्मा सेल है। ये प्लाज्मा सेल फॉर्म होता है बोन मैरो में, और वो जो प्लाज्मा है, वो जो प्रोटीन्स कंटेन करता है, वो फॉर्म होता है लीवर में। सो डोंट बी कंफ्यूज इन दिस टू टर्म्स, लाइक प्लाज्मा सेल एंड प्लाज्मा। तो अब हम बात करते हैं इम्यून सिस्टम के बारे में। अब जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ये खुद में ही एक पूरा का पूरा डिफेंस सिस्टम है, जिसमें सोल्जर, स्पेशल फोर्स, इंटेलिजेंस टीम, वेपन फैक्ट्री, जो पूरा इंक्लूड इसके अंदर। तो चलिए समझते हैं हमें क्या करके। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ये डिवाइडेड 3 पार्ट में, फर्स्ट लाइन डिफेंस, सेकेंड लाइन डिफेंस एंड थर्ड लाइन डिफेंस। हमारे बॉडी में ऐसा एक भी पार्ट नहीं है जो वेस्ट है, मीन जितना भी बॉडी में हमारे पार्ट्स है, सबका कुछ ना कुछ यूज है यहाँ पे। तो जो हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस है, पहला उसमें आता है ऑर्गन्स, स्किन। जो हमारा स्किन है, एक तरीके का बॉर्डर समझ लीजिए, जो कि इसके पार जाना बहुत ही मुश्किल है। मीन जब तक हमको चोट नहीं लग जाता, तब तक कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हमारे स्किन के अंदर नहीं जा सकता डायरेक्टली। अब स्किन भी यहाँ पे सीक्रेट करता है कंपाउंड्स, जो कि बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करता है, AMPS, जिसको कहते हैं एंटी माइक्रोबल्स पेप्टाइड्स। सेकेंड आता है सीलिया। अब जैसे कि आपने देखा होगा, हमारे बॉडीज में होल्स है, मीन्स कहीं ना कहीं से तो अंदर आ जा ही सकता है बैक्टीरिया। जैसे कि हमारा नोज ले लीजिए, और नोज में भी हेयर प्रेजेंट है, जिसको कहते हैं सीलिया, जो कि पार्टिकल्स को रोकता है हमारे लंग्स के अंदर जाने से। फिर आता है म्यूकस, मीन्स आपके नोज के अंदर हेयर होने के बाद भी म्यूकस प्रेजेंट रहता है। म्यूकस आपको पता है किसको कहते हैं, जो कि अगर कोई भी बैक्टीरिया या फिर डस्ट जा रहा है तो उस पर वो चिपक जाए। फिर आता है टीयर्स, मीन्स आंसू। अब आपके आँख में कुछ भी अगर डस्ट जाता है, तो वो आपके आंसू के साथ फ्लो होके आ जाता है बाहर। अगर आपके माउथ से जाने का ट्राई करें बैक्टीरिया, तो आपके स्टमक के अंदर ऑलरेडी बहुत ही पावरफुल एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका pH 1 to 2 रहता है, वो वहाँ पे जल के मर जाएगा एंड यूरिन फ्लो से भी बाहर आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम सेकेंड लाइन डिफेंस में, वहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है। अगर आपके बॉडी में किस तरीके से भी पैथोजेंस एंटर कर जाता है, तो सेकेंड लाइन डिफेंस वहाँ पे काम पे लग जाता है। अब सेकेंड लाइन डिफेंस में आता है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, नेचुरल किलर, अल्फा डेल्टा टी सेल एंड टी सेल, डेंड्रिटिक सेल, मास्ट सेल एंड मैक्रोफेज एंड नेचुरल किलर। ये सारे के सारे सेल उस बैक्टीरिया को मारने में लग जाते हैं। तो अब थर्ड लाइन डिफेंस में आता है इंटेलिजेंस टीम आपका, जो कि ये बी सेल जो बनाते हैं एंटीबॉडीज, एंड अल्फा डेल्टा टी सेल जो कि सेकेंड लाइन डिफेंस में भी है प्रेजेंट, एंड नेचुरल किलर टी सेल। अब यहाँ पे जो फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन डिफेंस है, उसको कहते हैं इनेट इम्यून सिस्टम, एंड जो थर्ड लाइन इम्यून सिस्टम है, उसको कहते हैं एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। अब जैसा कि आप नेम से समझ गए होंगे, इनेटेड मतलब कि शुरुआत से ही, मीन्स आपके पास ऑलरेडी बर्थ से होता है, बट जो इम्यून सिस्टम है वो आप में डेवलप्ड होता है। अभी जिस तरीके से हमारे बॉडी में शेल प्रेजेंट है फाइट करने के लिए पैथोजेंस के साथ में, इसी तरीके से हमारे बॉडी में ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है। जो सबसे पहला ऑर्गन है वो आता है टॉन्सिल्स, सेकेंड है लिम्फ नोड्स। जो लिम्फ नोड्स है वो बीन स्ट्रक्चर का होता है, जो कि ज्वाइन होता है लिम्फेटिक सिस्टम के साथ में। अब लिम्फेटिक सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी का, जो कि हार्ट से भी कनेक्ट है। इसका वर्क होता है क्लीन फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करना। एंड जो लिम्फ नोड है, जहाँ पे लिम्फोसाइट स्टोर होता है, मींस टी सेल एंड बी सेल। थर्ड है थाइमस। थाइमस का फंक्शन है मिक्सचर करना टी सेल को।
एंड फोर्थ ऑर्गन है सेप्लिन, जिसका फंक्शन है ब्लड को क्लीन करना एंड वहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल्स भी स्टोर होता है। एंड फिफ्थ आता है बोन मैरो, जो कि आपको मैंने पहले बताया है, जहाँ पे सारे सेल डेवलप्ड होते हैं। अब आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो यूनिफॉर्मली वर्क नहीं करता है। मींस ऐसा नहीं कि अगर बैक्टीरिया एंटर किया तो ये सेल रिस्पेक्ट करेगा, फिर ये करेगा, ऐसा नहीं होता है। ये पूरा का पूरा अनयूनिफॉर्म है, मींस ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। फिर भी मैंने सिंप्लीफाई करके आपको एक बेटर आइडिया किस तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है, मैं यहाँ पर आपको वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बात करते हैं किस तरीके से आपका बॉडी फाइट करता है पैथोजेंस के साथ में। पैथोजेंस का मतलब होता है बैक्टीरिया, वर्म, फंगस, वायरस, डस्ट, मींस कुछ भी फॉरेन इन्वेडर्स। अब आप छोटे हैं, आपके में सबसे पहला बैक्टीरिया एंटर किया आपके बॉडी में, तो उस टाइम पे आपका सडनली इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अब जो न्यूट्रोफिल्स है वही सबसे पहला सेल होता है जो कि पता लगा लेता है कि आपके बॉडी में किस पार्ट में बैक्टीरिया एंटर किया है, तो वो सडनली वहाँ पर चला जाता है। बट अब उसको पता कैसे चलता है, तो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑलरेडी कुछ सेल्स है, लाइक मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस एंड एंडोथेलियम, ये सारे के सारे रिलीज करते हैं साइटोकिन्स। अब साइटोकिन्स यहाँ पे कंपाउंड होता है प्रोटीन, जो कि आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रैवल करता रहता है। तो इसको जब भी कोई भी इन्वेडर पार्टिकल दिखता है तो इसमें रिसेप्टर्स होते हैं जिससे पता लगा ले, तो सडनली वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स पहुँच जाता है। अब न्यूट्रोफिल्स आप जानते ही हैं ईटर सेल है, मीन्स वो उसको सडनली उसको खाना शुरू कर देता है, मीन्स मारना शुरू कर देता है। अब मारने के लिए यूज भी लेता है फेगोसाइटिस प्रोसेस को। अब जैसे कि बैक्टीरिया आपके बॉडी में एंट्री इसलिए करता है क्योंकि अपने आप को बढ़ा सके, मींस वो अपना फैमिली को और लार्ज कर सके, तो वो हर 20 मिनट में डबल हो जाता है। सेल न्यूट्रोफिल्स उसको मार रहा है। अब धीरे धीरे सारे के सारे जितने भी फाइटर सेल है एक्टिवेट हो जाते हैं आपके बॉडी में एंड वो सारे के सारे उस साइट में पहुंच जाते हैं। बट आप देखते हैं कि वो कंट्रोल से बाहर जा रहा है, सब नहीं मार पाएंगे। फिर आता है डेंड्रिटिक सेल, वो क्या करता है एक बैक्टीरिया को लेता है, वो उसको इंजेस्ट करता है एंड उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है एंड बाकी के वेस्ट को बाहर निकाल के सिर्फ उसका एंटीजेंस। अब जो एंटीजेन होता है वो फॉरेन पार्टिकल्स मीन्स पैथोजेंस के बॉडी पे फाउंड होता है, वो उसको लेके जाता है लिम्फ नोड में, जहाँ पे वो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है, मीन्स इंटेलिजेंस टीम के पास लेके जाता है, जहाँ पे इसको डिस्कस करके मीन्स किस टाइप का बैक्टीरिया उस टाइप का एंटीबॉडीज क्रिएट करने के लिए। अब जैसे डेंड्रिटिक सेल लेके पहुंचते हैं एंटीजेंस लिम्फ नोड में, तो वहाँ पे इमेच्योर टी सेल एंड बी सेल प्रेजेंट है। तो जैसे ही डेंड्रिटिक सेल वहाँ पे जाता है तो बी सेल एंड टी सेल को एक्टिवेट कर देता है। तो जैसा कि मैं आपको पहले बताया था कि टी सेल डिवाइड होता है फर्दर पार्ट में, वो मेनली फोर टाइप में डिवाइड होता है। CD4+ हेल्पर सेल, इसका मेन फंक्शन होता है बी सेल को हेल्प करना एंटीबॉडीज क्रिएट करने के लिए। एंड सेकेंड CD8+, जिसको साइटोटॉक्सिक सेल कहते हैं, इसका फंक्शन होता है जो भी सेल वायरस इन्फेक्ट हो चुका है उसको रक्चर कर देना, मीन्स उसको किल कर देना। एंड होता है मेमोरी टी सेल, अब इसका मतलब होता है जो भी एंटीबॉडीज क्रिएट किया है बी सेल ने ना उसका डाटा स्टोर करके रखना, तो नेक्स्ट टाइम पे अगर वो सेम बैक्टीरिया एंटर करेगा हमारे बॉडी में तो सडनली एंटीबॉडीज को क्रिएट कर दे। एंड फोर्थ नेचुरल किलर टी सेल, ये भी सेम फंक्शन हैज वर्क करता है CD4+ एंड CD8+ सेल के जैसा। अब जितने मैंने टी सेल आपको बताया ये सारे के सारे टी सेल ये काम नहीं करते, ये जाता है पहले थाइमस में एंटीजेंस लेके, वहाँ पे जाके ट्रेन होता है ये सारे के सारे सेल। जो भी वहाँ से सिलेक्ट हो जाता है वो सेल जाके ये सब काम करने में लगता है, जो अभी मैंने आपका डिस्कस किया है। अब जो बी सेल का मेन फंक्शन है वो बनाना एंटीबॉडीज, बट कैसे काम करता है वो, सबसे पहले वो एंटीजेंस को लेता है, वो चेक करता है कि इसमें कौन सा टाइप का एंटीबॉडीज फिट बैठेगा, मीन्स कौन सा टाइप का एंटीबॉडीज इसको ब्लॉक कर सकेगा। जो बी सेल है वो इस टाइप का एंटीबॉडी क्रिएट करता है जो कि पैथोजेंस को ब्लॉक कर सके। तो आप कुछ सैंपल्स देख सकते हैं किस किस टाइप का एंटीबॉडीज होता है, वाई शेप का होता है ये, लाइक IgG, IgE, IgD, IgM एंड IgA। अब बी सेल बनाता है प्लाज्मा सेल, अब प्लाज्मा सेल का काम होता है सिंगल एंटीबॉडीज को क्रिएट करना, अब ये साथ में थाउजेंड्स ऑफ एंटीबॉडीज को क्रिएट करने लगता है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा ये प्रोसेस स्पीड में होता है। तो अभी सडनली ट्रांसपोर्ट हो जाता है इन्फेक्टेड एरिया पे और वहाँ पे जाके पैथोजेंस को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि पैथोजेंस अपना आगे का काम नहीं कर सके और वहीं पे वो अपना स्टॉप कर दे। अब सडनली अपना जो फेगोसाइटिस सेल है मींस जो ईटर सेल है वो उसको मारना शुरू कर देता है, मींस वो जीत जाते हैं बैक्टीरिया को मारने में। अब जो मैक्रोफेज है वो एबल है मींस कोई भी सेल को खाने के लिए, मींस जो भी हमारे बॉडी में इन्फेक्ट हो चुका है सेल बैक्टीरिया वायरस से वो उसको भी खा जाता है, तो वहाँ पे वो सारे सेल मर जाते हैं। अब आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा, लाइक अब जब भी आपके बॉडी में पिंपल्स होता है तो उसमें से वाइट वाइट पस निकलता है, वो बेसिकली न्यूट्रोफिल्स होता है, क्योंकि लड़ाई करते करते न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में मर जाता है, तो वही होता है न्यूट्रोफिल्स, मीन्स एक तरीके से कह सकते हैं वाइट ब्लड सेल्स होता है वो।
अब ये सारा काम होने के बाद में जो बी मेमोरी सेल एंड टी मेमोरी सेल वो सारे के सारे डाटा को स्टोर कर लेते हैं, कौन सा एंटीबॉडी किस बैक्टीरिया के लिए बनाया गया था। तो अब जब भी नेक्स्ट टाइम पे अगर वो बैक्टीरिया वापस एंटर करता है तो सडनली वो एंटीबॉडीज को रिलीज कर दे सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मीन 0.7% जो WBC है वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। मीन्स वो अमाउंट आपको कम लग रहा होगा सुनने में, बट वो बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है क्योंकि वो माइक्रो लेवल पे होता है, मीन्स ट्रिलियंस ऑफ सेल उसमें कंजिस्ट करता है वो। तो अब हम बात करते हैं किस तरीके से ये वायरस फाइट करता है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि वायरस तो अपनी सेल को होस्ट बना लेता है, तो अब वो कैसे फाइट करेगा, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी सेल से बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं इसी चीज़ को। कोई भी जो हमारे बॉडी में सेल है उसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जिससे पता चलता है अदर सेल्स को कि ये हमारा ही बॉडी का सेल है। और जो वो रिसेप्टर होता है जो होता है प्रोटीन एक टाइप का, वो होता है MHC, मीन्स मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो अब जब भी वो सेल इन्फेक्ट हो जाता है वायरस से, तब आता है साइटोटॉक्सिक टी सेल, वहाँ पर वो चेक करता है सेल को रिसेप्टर से कि इसमें कुछ चेंजिंग आ चुका है, इसके प्रोटीन में चेंजिंग है, और ये सेल हमारे सेल से बिलोंग नहीं करता है। तो वहाँ पर रिलीज करता है साइटोटॉक्सिक फैक्टर जो कि टॉक्सिक केमिकल्स होता है वो सेल को किल करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कि MHC को भी यहाँ पे वो हैजर्ड ट्रेन कर देते हैं कि उसी का वायरस है अपने बॉडी का, टी सेल भी कन्फ्यूज जाता है कि हमारे बॉडी का सेल है। एंड यहाँ पे सेल भी ऐसा नहीं कि वो होस्ट बन जाता है, वहाँ पे सेल भी उसके अंदर रिलीज करता है इंटरफेरॉन जो कि वायरस की एबिलिटी को ख़त्म करने में हेल्प करता है। अगर वहाँ पे भी वो काम नहीं कर पाता है तो यहाँ पे यूज़ में आता है नेचुरल किलर जो कि रिलीज़ करता है अपना टॉक्सिक केमिकल सेल को मारने के लिए। तो सबसे लास्ट में आता है एंटीबॉडीज जो कि वायरस को अच्छे से समझ के, मीन्स उस पर रिसर्च करके उसको डिसेबल कर देता है, मीन्स जो भी सेल इन्फेक्टेड है उसको ब्लॉक कर देता है जिससे कि वो अपना काम नहीं कर सके। बट यहाँ पे ऐसे कुछ कुछ वायरस है जो कि ऐसा वायरस है जो कि उसको क्योर नहीं कर सकते, लाइक HIV। वो क्या करता है, CD4+ मीन्स हेल्पर सेल को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है जो कि हेल्प करता है एंटीबॉडीज को क्रिएट करने के लिए, जिसकी वजह से पूरे के पूरे बॉडी के सेल को वायरस इन्फेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से जितने भी मीन्स टाइप के इन्फेक्टेड बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं अपने बॉडी में, जिससे कि अपना बॉडी फंक्शनेट करना बंद कर देता है। तो बस आज का टॉपिक बहुत ही बड़ा हो चुका है, इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। तो अगर आपको टॉपिक पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।